मैंने सुना है कि चंडीगढ़ के पास इतनी सारी स्नो देखने को मिल जाएगी। हाँ, मुझे भी लगता है, मैं तो गर्मी में स्नो देखने जाऊंगा, वो भी चंडीगढ़ के पास। अरे, वो भी -7 डिग्री टेम्परेचर में, कैसे? जी हाँ, आप भी चाहे हो गर्मी चाहे हो सर्दी, आप साल के 12 महीने स्नो का एंजॉय कर सकते हो, वो भी चंडीगढ़ से सिर्फ 1 घंटे की दूरी पर। आज हम आपको ऐसा स्नो पार्क दिखाने जा रहे हैं जो कि हिमाचल प्रदेश के जाबली में है, और उसकी पूरी इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। आप यहाँ कैसे पहुंच सकते हो, स्नो पार्क की टिकट कितनी है, पार्किंग आपको कहाँ मिलेगी, स्नो पार्क की टाइमिंग कितनी है, चंडीगढ़ से स्नो पार्क की दूरी कितनी है, स्नो पार्क में आप स्नो क्लोथ्स, शूज, ग्लव्स कहाँ से ले सकते हो, कॉन्टेक्ट नंबर भी आपको यहाँ मेंशन कर देंगे, और कुछ सीक्रेट्स हैं जो आपको नहीं पता, वो भी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। चैनल पे पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो गाइस, अगर आप चंडीगढ़ से स्नो पार्क जाबली आना चाहते हो तो आप अपनी कार, बाइक, टैक्सी, बस से यहाँ पहुंच सकते हो। अगर बस में आना चाहते हो तो आपको यहाँ प्राइवेट बस में आना पड़ेगा। चंडीगढ़ से स्नो पार्क की दूरी 50 किलोमीटर की है। आप चंडीगढ़ से यहाँ 1 घंटे में पहुंच सकते हो। पार्किंग को आपको यहाँ बहुत बड़ी मिल जाएगी, ये एक बहुत बड़ा मॉल है, और अगर पार्किंग यहाँ पे फुल हो जाती है तो आप रोड पे भी अपनी कार खड़ी कर सकते हो, मगर आपको रूल के हिसाब से ही कार खड़ी करनी होगी। आप रोड से थोड़ा हटके ही अपनी कार खड़ी करें, वो भी सैटरडे संडे को जब रश होता है तब भी यहाँ पार्किंग स्पेस की दिक्कत आती है। द मैजिक ऑफ विंटर वंडरलैंड इंडोर, आप एक मॉल के अंदर ही बहुत बड़े स्नो पार्क का एंजॉय कर सकते हो। जैसे आप पहाड़ों में कुफरी, शिमला में, मनाली में बहुत सारी स्नो देखते हो, आप ऐसे ही स्नो यहाँ पे देख सकते हो। बाकी आपको यहाँ पे ब्रांडेड शोरूम भी देखने को मिल जाएंगे। ये देखो वीकेंड पे कितना रश है, यहाँ पे कितनी गाड़ी लगी है, वो दूर तक गाड़ियां खड़ी हैं, मगर आपको यहाँ लाइन से हटके गाड़ी खड़ी करनी है। तो चलिए चलते हैं अंदर। ये देखिए, यहाँ मॉल में बहुत बड़े बड़े ब्रांडेड शोरूम भी हैं। स्नो पर आपको सेकंड फ्लोर में मिलेगा। अगर आप रेस्टोरेंट या बार का एंजॉय करना चाहते हो तो वो थर्ड फ्लोर पर है। हम सेकंड फ्लोर ऊपर लिफ्ट से गए थे। अगर आपको सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत है तो आप लिफ्ट का यूज कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे बॉलिंग या फिर और बहुत सारी गेम्स खेलनी है तो यहाँ पे कैश काउंटर भी है। ये देखिए यहाँ कितना बड़ा गेम पॉइंट है, आप यहाँ रुक के भी एंजॉय कर सकते हो। ये आ गया स्नो पार्क, अब हम जाएंगे इसके अंदर। मगर सैटरडे संडे वीकेंड होने के कारण यहाँ पे बहुत ज्यादा रश था। हमने जब इनसे टिकट मांगी, इन्होंने कहा कि आपको वेट करनी पड़ेगी। टिकट तो हमने ले ली, मगर हमें 1 घंटे का वेट करना पड़ा। पर पर्सन आपको टिकट 600 रुपए की मिलेगी, और बच्चों की 4 साल से कम की 400 रुपए की मिलेगी, और टेम्परेचर यहाँ अंदर -6 से 7 डिग्री होता है। और एक बार आपने अगर टिकट ले ली तो आपको 45 मिनट की एंट्री मिलेगी, आप 45 मिनट अंदर एंजॉय कर सकते हो। अगर आप कैमरे से अंदर का माहौल देखना चाहते हो तो ये देखो कैमरा भी अंदर लगा हुआ है, और आप यहीं से ही अंदर का व्यू देख सकते हो, मगर जो अंदर जाने का मजा है वो अलग ही है। ये बॉल जेट का टिकट प्राइस है, आप यहाँ से अपना कार्ड परचेज कर सकते हो। इसके प्राइस भी यहाँ लिखे हुए हैं, और अलग अलग गेम्स के भी यहाँ रेट लिखे हुए हैं। ये देखिए, हमने टिकट परचेज कर ली, हमको 4:40 का टाइम मिला। आप टिकट पे डेट और टाइम देख सकते हो। ये टिकट हमने 22/6/2024 को ली थी। हम यहाँ अकेले गए थे इसलिए हमें जल्दी ही टाइम मिल गया। ये देखिए, टिकट टाइम 4:27 का है, और हमें एंट्री 4:40 पे मिलेगी। आप टिकट चेक कर सकते हो, ये टिकट 599 रुपए की है। ये देखिए, यहाँ मॉल में आपको एंजॉय करने के लिए गेम्स भी मिल जाएंगी। पहले आप गेम्स देख लो, फिर ले चलते हैं आपको अंदर स्नो पार्क में। टिकट लेने के बाद आपकी यहाँ एंट्री होगी, और एंट्री करने से पहले ये टैग यहाँ पे आपको लगाएंगे ताकि कोई और पर्सन ना अंदर एंटर हो सके। ये आ गया है बर्फ का खजाना, तो चलिए चलते हैं अंदर। स्नो तो अभी अंदर है, हम यहाँ पे पहले जैकेट्स वगैरह डालेंगे, शूज डालेंगे और ग्लव्स भी लेके जाएंगे, क्योंकि अंदर बहुत ज्यादा ठंड है। आप इस जगह से ही फ्री में जैकेट्स ले सकते हो, और शूज और ग्लव्स भी ले सकते हो। आपको यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं लगेंगे, आपके वन टाइम चार्जेस लगेंगे, वो भी 600 रुपए।
ये रास्ता चला गया ऊपर आइस मैजिक को, वो सामने एंट्री है। हाँ जी ठीक है। वाओ, ये आ गया है जन्नत और हम पहुंच गए हैं आइस मैजिक में। कितना सुंदर व्यू है अंदर का, ये देखिए यहाँ पे स्नो कैसी है। आप यहाँ पे बहुत सारे एंजॉय कर सकते हो, स्लाइडिंग तो यहाँ आम है। ये देखिए सब स्लाइडिंग कर रहे हैं और अलग अलग बर्फ की चीजें बनी हुई हैं। आप उस पे, जैसे ये एलिफेंट है वो सामने हार्ट बनाया हुआ है, कार भी यहाँ पे बनाई हुई है, और आप यहाँ पे फुल एंजॉय कर सकते हो। यहाँ पे ठंड इतनी है कि आपके पैर सुन्न होने लग जाएंगे, मगर जो यहाँ मजा आने वाला है वो कहीं और नहीं आएगा। एक तो रश यहाँ पे बहुत ज्यादा है और यहाँ डीजे भी फुल आवाज में चल रहा है। देखिए लोग कैसे एंजॉय कर रहे हैं और अपनी फुल मस्ती में डांस भी कर रहे हैं। एक तो इतनी गर्मी और ऊपर से एकदम हम स्नो में आ गए, ये तो सोने पे सुहागा हो गया। और अगर आप भी यहाँ आना चाहते हो इस वीडियो का एंजॉय करने के लिए, आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर आप यहाँ स्नो पार्क में आना चाहते हो तो आप सैटरडे संडे को ही आना, क्योंकि यहाँ पे बहुत रश होता है और डीजे वगैरह भी लगा होता है और फुल मस्ती होती है। अगर आप किसी और दिन आओगे तो यहाँ सुनसान होगी, कोई ज्यादा आपको एंजॉय नहीं करने को मिलेगा, क्योंकि रश नहीं होगा तो एंजॉय नहीं होगा, अगर रश ज्यादा होगा तो उसका एंजॉय अलग ही होगा। एक बात बताते हैं आपको, अगर आप 45 मिनट से पहले एंजॉय कर लिया तो ज्यादा बढ़िया है। अगर आपके 45 मिनट हो जाते हैं तो आप 5, 10, 15 मिनट ऊपर भी लगा सकते हो, मतलब आप 45 से 60 मिनट तक यहाँ रुक सकते हो। वैसे भी यहाँ पे ठंड इतनी ज्यादा है, आपको यहाँ आधा घंटा बिताना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और साथ में बेल आइकन वाला बटन भी दबा दें, ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो डालें तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके।